हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एक गेट 2002 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जो कि सीएस ब्रांच के लिए आया था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं, आपका बेसिक्स क्लियर है कि नहीं वो भी चेक करने का कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी में जो है आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है आपको सॉल्व करने को। तो देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका रैंक फाइंड करना है। तो देखिए, रैंक फाइंड करने का बहुत सा तरीका होता है, और यहाँ पे आप रैंक का डायरेक्ट डेफिनेशन से ही जो है आप पता कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। और आप विद इन 5 सेकंड्स, आई थिंक, ये देखते ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जितना देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, बस उतना ही समय लगेगा आपको और टिक करने में जितना टाइम लगेगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, रैंक फाइंड करने का एक तरीका होता है आपका, होता है कि अगर मैट्रिक्स अगर आपका स्टैंडर्ड एकलन फॉर्म में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होता है वही आपका रैंक हो जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि एकलन फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे ये मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली अगर हम आपको एकलन फॉर्म बता देंगे, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए दिया जाएगा जहां पे एकलन फॉर्म में पहले से होगा, तो वहां आपका बहुत ही इजी रहेगा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना। तो देखिए, तो एकलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी अगर आपका मैट्रिक्स है दिया हुआ, मान लीजिए, तो अगर उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन जीरो में भी जो है आपका जो क्या कहते हैं वन होना चाहिए। वन होना चाहिए एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वन हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं, या फिर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होता है, या फिर हम क्या करते हैं रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके इसको वन बनाते हैं, ताकि इजिली हम जो है स्टैंडर्ड एकलन फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका वन है तो और भी अच्छा बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके नीचे का जितना भी एलिमेंट है, उसके जस्ट उसी कॉलम के नीचे का, तो इसके नीचे का जितना भी एलिमेंट है सारा वैल्यू आपका जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जीरो 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 होगा, और इधर जो है आपका फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब जीरो या नॉन जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए, अगर हम सेकेंड रो पे आए, तो सेकेंड रो का जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, मान लेते हैं ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हम पहले ही बोल दिए कि ये जीरो हो चुका है, तो मान लेते हैं आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो मान लेते हैं ये टू मिला। तो सेकेंड रो का जो आपका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके नीचे का भी सारा वैल्यू जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब है, सिर्फ एक कॉलम का बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका जीरो 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 होगा, और यही पैटर्न आपका 101 चलता रहेगा, इधर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। और सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि आपका जितना भी जीरो रोज है, जीरो रो कहने का मतलब वैसे रो जिनके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, वैसे रो को हम लोग बोलते हैं जीरो रोज। तो जीरो रोज जो है हमेशा वो सबसे नीचे होगा मैट्रिक्स में। मान लेते हैं कोई एक रो है जिसका आपका सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, तो वो आपका सबसे नीचे होगा, और ऊपर में हमेशा आपका नॉन जीरो वाले रो होंगे। तो नॉन जीरो रो आपका क्या होता है, वैसे रो जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट भी अगर आपका नॉन जीरो वैल्यू वाला हो, तो उस रो को हम क्या बोलेंगे, उस रो को हम बोलेंगे नॉन जीरो रो। जैसे ये वाला रो जो है आपका, ये नॉन जीरो है, ये भी आपका नॉन जीरो है, क्योंकि इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका एकलन फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा कि ये जो है आपको ये स्टैंडर्ड एकलन फॉर्म में क्यों है, क्योंकि देखिए आपका फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो वैल्यू है और वन भी है, बहुत अच्छी बात है, और इसके नीचे का जो है आपका, इसके नीचे का सारा वैल्यू जीरो है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड एकलन फॉर्म में आ गया। और आप सेकंड रो की बात करें, तो सेकंड रो में नॉन जीरो वैल्यू है ही नहीं, अगर होता तब हम उसके नीचे का एलिमेंट्स को जीरो करते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एकलन फॉर्म में है। तो रैंक जो होता है, अगर आपका स्टैंडर्ड एकलन फॉर्म में मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो बताए कि एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, देन द रो कैन बी कॉल्ड एज नॉन जीरो रो। तो देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि सेकेंड रो जो है आपको उसमें सारा एलिमेंट जीरो है, तो इसलिए आपका इसका रैंक वन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में भी आपका फोर दिया हुआ था, देखिए फोर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक और प्रॉपर्टी है आपका कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम इक्वल होगा, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आपका हमेशा जो है लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू आपका होता है एन। एन कहने का मतलब है कि अगर एन क्रॉस एन का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो उसका जो है आपका रैंक जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो ये देख लीजिए, ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो रैंक इसका हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो 4 तो आपका हो ही नहीं सकता है, और 1 तो अभी इसका आंसर होगा बता दी, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी था आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, वो होता है आपका डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए, कोई भी अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए कंसिडर कर लेते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो उस केस में जो है आपका हमेशा जो रैंक होगा, रैंक को एक्चुअली रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस केस में आपका हमेशा रैंक जो होगा वो लेस देन नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। तो आपको पता है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो लेस देन n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे लेस देन n हो गया। अब देखिए इस ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि आपका एक रो पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है, तो आपका डिटरमिनेंट 0 आना ही है। वैसे भी आप 1 × 0 − 1 × 0, तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर 0 है तो रैंक इज ऑलवेज लेस देन 2, तो यानी इसका रैंक जो होगा ऑलवेज लेस देन क्या होगा, सॉरी रैंक इज ऑलवेज लेस देन n, n क्या है नंबर ऑफ रोज, तो रैंक जो है लेस देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका, तो लेस देन 2। तो इससे भी देखिए आपका एक और ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, 4 तो होगा ही क्योंकि रैंक बोला गया लेस देन 2 होगा, तो 4 तो होता नहीं है, 2 तो होता नहीं, बचा 1 और 0। तो ये एक्चुअली हम ये प्रॉपर्टी बताने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप इजीली जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्लन फॉर्म में था, तो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि गेट में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। थैंक यू।